संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उनकी विचारों पर चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब के सपनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन लोकतंत्र के जीवंत पाठशाला है। सीएम ने कहा कि संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब का हर कार्य राष्ट्र निर्माण में रहा है। योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जो भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से देश को बांटने का काम करते हैं, उस देश की जनता उनको नकार देती है। चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाश देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था। लेकिन जो विरोधी थे, जो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे, वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे। वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे। उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा, जब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक भी नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और कभी कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारी को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने कहे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने।